हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द अल्फा एज अकेडमी यूपीएससी एनवायरनमेंट फुल कोर्स। वी आर डूइंग द एनवायरनमेंट कोर्स इन फुल। हमारा कोई भी लेक्चर आपको हमारी साइट पे नहीं मिलेगा। जो हमारी सीरीज है, जो हमारा लेक्चर है, फुल सिलेबस जो है वो आपको मिलेगा अल्फा एज अकेडमी के चैनल पे। प्लेलिस्ट का नाम है एनवायरनमेंट फाउंडेशन, तो आज ही जाएं और अपना एनवायरनमेंट फाउंडेशन कोर्स पूरा करें अल्फा एज अकेडमी के साथ। दिस इज़ लेक्चर 17। हम लोग पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, आज हम आपको इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताएंगे, उस क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे और एक चीज़ नई स्टार्ट करेंगे, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दस लेट्स बिगिन फॉर द डे। ठीक है, तो पहला यार देखो, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, अब इंडिया जो है एक बायोडाइवर्स कंट्री है, मतलब दुनिया में 17 कंट्रीज़ को मेगा बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, उसका दर्जा दिया गया। उसमें से एक हमारा देश भारत है। भारत के पास जो लैंड एरिया है वो वर्ल्ड का 2.5% है, लेकिन हम जो स्पीशीज़ वर्ल्ड को देते हैं वो 7.8% है। देख लो कितनी ज़्यादा है ना, और कितनी इंपॉर्टेंट है। दस इंडिया बिकम्स वेरी नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देर आर थिंग्स कॉल्ड बायोजोग्राफिकल रिम्स, बायोजोग्राफिकल जोन्स और बायोजोग्राफिकल प्रोवेंसेस। देखो जो रियलम होता है वो सबसे बड़ा होता है, सिर्फ आपके सात, माफ करिएगा, 8 बायोजोग्राफिकल रियलम्स हैं और इंडिया जो है 3 के जंक्शन पे फाउंड आउट करता है। और वो 3 कौन कौन से हैं? एफ्रो ट्रॉपिकल, इंडो मलायन एंड पैले आर्टिक। देखो पैले आर्टिक, नियो आर्टिक, नियो ट्रॉपिकल। देखो अब जैसे नियो आर्टिक कौन सा रीजन है, जो आपका नॉर्थ अमेरिकन वाला रीजन है। नियो ट्रॉपिकल आपका साउथ अमेरिकन वाला रीजन हो गया। नियो आर्टिक आपका यूरोपियन वाला रीजन हो गया। ओशनिया आपका ओशन वाला रीजन हो गया। देन अंटार्कटिक रियलम, ठीक है, अंटार्कटिक रियलम कौन सा हो गया आपका, जो अंटार्कटिक वाला रीजन है। बेसिकली रियलम कहते किसे हैं? देखो रियलम उस चीज़ को कहते हैं कि बिल्कुल सेम नहीं बट सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो बाकी जो रियलम्स हैं वहाँ से अलग हैं। उनका जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है या जो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो दोनों ही अलग है बाकी बायोलॉजिकल रियलम्स से, ठीक है। दस अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द टर्म बायोजियोग्राफिक रियल्म रेफर्स टू एन एरिया ऑफ लैंड दैट कंटेन्स रिलेटिवली सिमिलर ऑर्गेनिज्म जिसका विच हैज़ अ डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी प्रोसेस, जिसकी एवोल्यूशन की एक हिस्ट्री हो और स्पेसिफिक हिस्ट्री हो और वो वहीं पे हो, उसी रियल्म में हो। ऐसे 8 हमारे पास बायोजियोग्राफिक रियल्म्स हैं जिसमें से कि 3 के जंक्शन पे इंडिया पाया जाता है, इसीलिए इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इंडिया में 5 बायोम्स, फिर उससे छोटा होता है रियलम से छोटा होता है बायोम, भाई रियलम से क्या होगा 7-8 बायोम आ गए, ठीक है। बायोम से छोटा होता है बायोजियोग्राफिक जोन इंडिया में, इंडिया और उससे छोटा होता है बायोजियोग्राफिक प्रोवेंसेस। इंडिया जो है 2 रियलम को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है वो 3 के, लेकिन एक जो है हल्का सा लगता है लेकिन तो उसको नहीं लेते हैं हम लोग। तो 2 रियलम, 5 बायोम्स, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स एंड 25 बायोजियोग्राफिक प्रोवेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि 8 रियल्स हैं, कौन कौन से हैं, अंटार्कटिक, ओशनिया, इंडो मलाया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं वैसे उसको, नियो ट्रॉपिकल, एफ्रो ट्रॉपिकल, नियो आर्टिक एंड पैले आर्टिक, ठीक है। ये समझ लिया आपने। अब इंडिया जो है 2 रियल को रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन से, जो हमारा हिमालयन रीजन है, हमारा जो हिमालयन रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द पैले आर्टिक रियल एंड जो बाकी का सब कॉन्टिनेंट है वो हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है मलायन, इंडो मलायन रियल्म को। बायोम्स की बात करें तो 5 मेजर बायोम्स हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल, देखो 5 याद रखना, अब बाकी तो आप खुद ही समझ जाओगे। ट्रॉपिकल मतलब नीचे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब गर्म है, ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एंड डेसीडियस फॉरेस्ट इंक्लूडिंग मानसून फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट्स, कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड एल्पाइन मीडोस। ये बेसिकली पार्ट ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी में ज़्यादा हम इसको पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपको, अब मैं आपको बोलूँ सेमी डेजर्ट है, मैं क्या बताऊँ, हल्का सा जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा वो सेमी डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। देन बायोजियोग्राफिक जोन्स, तो मैंने आपको कितने बताया, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स, कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मतलब जो सबसे ऊपर के हिमालयाज हैं, ठीक है। अब इन्हीं बायोजियोग्राफिकल जोन्स को जो है ना, हमने एक एक 10 को, किसी को 1 को में, किसी को 2 में, किसी को 3 में डिवाइड कर देंगे तो ये 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस बन जाएंगे। तो 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स कौन कौन से हमारे पास, हिमालयन जोन, ट्रांस हिमालयन जोन, फिर उससे नीचे हिमालयन जोन, डेजर्ट जोन, सेमी डेजर्ट जोन, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू याद रखिएगा सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है इसका,
दैट दिस एरिया जो है हमारा वो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर है। देन गैंगेटिक प्लेन जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, कोस्टल जोन एंड आइलैंड जोन। आइलैंड में फिर अभी हम जैसे नीचे बायोजिकल प्रोविंस में पहुंच जाएंगे तो आइलैंड को हम लोग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, हमारी बायोजोग्राफिक जोन्स की। तो बायोजोग्राफिक की बात करते हैं, बायोजोग्राफी होती क्या है। बायोजोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी स्पीशीज, स्पीशीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम इन ज्योग्राफिकल स्पेस एंड थ्रू ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल टाइम स्केल, है ना। जो जियोलॉजिकल हम लोग टाइम स्केल, भाई कार्बोनेशियस पीरियड में था, होमो सेपियंस कब आए, कौन सा एरा है, कौन सा इपोक है ना, इयोन है, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। देन बायोजोग्राफी की जो दो टाइप की ब्रांचें, देखो फाइटोजोग्राफी जो कि प्लांट से डील करती है एंड जू जोग्राफी जो कि एनिमल से डील करती है। 25 बायोजोग्राफी प्रोवेंसेज है, मैंने आपको बता दिया। जैसे ट्रांस हिमालय है तो लद्दाख माउंटेन्स, फिर ट्रांस हिमालय में ही हम लोग एक चीज़ डिवाइड और कर देंगे तिब्बतन प्लेट्यू, फिर हिमालयस को जो है चार में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल, ईस्ट। डेजर्ट भी दो में है, थार एंड कच्छ। सेमी एरिड भी दो में है, पंजाब प्लेन्स, गुजरात राजपूताना। वेस्टर्न घाट्स भी दो में है, मालाबार एंड वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स। डेक्कन जो है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 में है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन साउथ, इसलिए सबसे बड़ा भी है, लार्जेस्ट एरिया इसके अंडर ही है। देन गंगेटिक प्लेन की बात करें तो अपर गंगेटिक प्लेन और लोअर गंगेटिक प्लेन, ठीक है। कोस्ट की बात करें तो आपका ईस्ट कोस्ट, अभी मेरे में देखो मैं ईस्ट अगर इधर बताऊँगा तो आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं आपको इधर बता रहा हूँ तो अब मेरे को इधर करना पड़ेगा हाथ, क्योंकि क्या हो रहा है, लिटरल इन्वर्जन हो रहा है कैमरे में। तो ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भी जो है दो में डिवाइडेड है, ब्रह्मपुत्र वैली एंड नॉर्थ ईस्ट हिल्स, और मैंने आपको बताया आइलैंड जो है अंडमान्स एंड निकोबार आइलैंड्स में डिवाइडेड है। तो ये बायोजोग्राफिक क्लासिफिकेशन थी इंडिया की, ठीक है। तो ये तो बात थी कि कैसे कैसे क्लासिफाई हो रहा है इंडिया में। अब बात करते हैं कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उनकी क्लासिफिकेशन कैसा है यार, कैसे उनको पढ़ते हैं। तो उनकी क्लासिफिकेशन करने के लिए तो एक हमारे भैया है फिर आर एच विटेकर, उन्होंने 1965 में 5 मेन किंगडम्स दिए। हम लोग कौन से, देखो ह्यूमंस कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ह्यूमंस कौन से किंगडम से आते हैं, ठीक है। उन्होंने डिवाइड कर दिया, उन्होंने तो पहले बोला कि देखो भाई ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब भाई लोग प्रो हैं, भाई लोगों को कोई प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो भाई लोगों का जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के अराउंड वो है ही नहीं। यूकैरियोटिक क्या है कि थोड़ा सा भाई लोग चिल हैं, भाई लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में तो हमारे पास एक ही किंगडम है मोनेरा। यूकैरियोटिक में भी फिर दो टाइप के सेल्स आ जाएंगे, एक तो यूनिसेलुलर की सिंगल सेल है, एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में जो तो जो यूनिसेलुलर आएगा वो प्रोटिस्टा हो जाएगा। प्रोटिस्टा में जैसे हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। मल्टी सेलुलर में भी बात करेंगे तो फिर डिवाइड हो जाएंगे विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। भाई विदाउट सेल वॉल में आ जाएगा तो एनिमिलिया आ जाएगा, विद सेल वॉल में भी दो टाइप के हैं, एक तो फोटोट्रॉपिक जो सनलाइट से अपना खाना बनाने, एक हीटरोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसमें कौन सा आ जाएगा, फंजाय, और एक फोटोट्रॉपिक इसमें आ जाएगा, प्लांटे आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको मैं आपको देखो आप इस मैं ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से रोक के आराम से देखना, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो 5 टाइप के किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों यूकैरियोटिक है। अब क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चारों में प्रेजेंट है और मोनेरा में एब्सेंट है। सेल वॉल जो मोनेरा में होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात होती है, सेल वॉल अलग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है लेकिन सेल वॉल होती है मोनेरा में, बट कमजोर टाइप की होती है, पॉलीसेक्राइड टाइप की होती है, अम्यूनो एसिड्स नॉन सेल्युलोस्टिक होती है। सेलुलोज मतलब मैं आपको समझाऊँ, पेपर देखा आपने, आप अगर ये पेपर लेंगे और पेपर को पानी में डुबाएंगे तो पेपर गल सा जाएगा, वही सेलुलोज होता है, ठीक है। प्रोटेस्टा में भी किसी किसी में सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती। फंजाई में सेल वॉल होती है बट इट इज़ विथ चिटिन, चिटिन एक टाइप का क्या बोलते हैं, चिटिन क्या होता है, एक टाइप का फाइबरस सब्सटेंस होता है। प्लांटे में होती है और एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती है, हमने आपको बताया था विदाउट सेल वॉल यूकैरियोट जो होता है वो एनिमिलिया होता है। एनिमिलिया क्या होते हैं, हीटरोट्रॉपिक होते हैं, वो दूसरे पे खाने पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्लांटे जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। और सेप्रोट्रॉपिक मतलब वो डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हीटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाएंगे, हीटरोट्रॉप्स जो दूसरों से खाना लेंगे। सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड एंड डीके मैटर लिटर जो लीव्स नीचे कर रही हैं, प्लांट्स जो डेड एनिमल्स हैं उन पे जो डिपेंडेंट होते हैं उसे सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। देखो
बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा के, ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया पाया जाता है प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोट जो है कितने हैं अभी पता भी नहीं हमें, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है प्रोकैरियोट्स की। बैक्टीरिया एक टाइप का इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और मैं पढ़ता जाऊँगा, चार टाइप की कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, एक स्पेरिकल कॉकस जिसको कॉकाई बोलते हैं, रॉड शेप्ड बैसिलस जिसको बैसिली बोलते हैं, कॉमा शेप्ड वाइब्रेरियम जिसको वाइब्रियो बोलते हैं, और स्पाइरल स्पिरिलियम स्पिरिला बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि आप सबको ये याद करने की ज़रूरत है या नहीं है, 2014-15 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इसी से मिला के पूछ लिया था, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। ऑल्सो ये एनसीईआरटी में दिया गया, और यूपीएससी बोलती है कि भैया हम एनसीईआरटी से पूछेंगे, तो इसलिए हमें ये पढ़ाना ज़रूरी है। आप इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे डॉक्यूमेंट्स से पढ़ सकते हैं, और आपको एक आइडिया लेना है तो उसके लिए हमने ये लेक्चर बनाया ही है, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करवा देंगे। देन फ्लैगलम की बात करें, अगर ये फ्लैगनम होता है, देखो ठीक है, ऐसे निकला हुआ थ्रेड सी निकली हुई, इसको फ्लैगनम बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या मैंने आपको बताया, कोकाई, बैकलाई, स्पायरला एंड वाइब्रो, ये फोर कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया हैं। देन बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक जो कि अपना खाना खुद बनाएंगे, और एक हेटरोट्रॉपिक जो कि खाने पर के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप के होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। भाई फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कौन से होंगे, जो सन से अपना खाना बनाएंगे, सनलाइट से अपना खाना बना लेंगे। कीमोसिंथेटिक कौन से होंगे, जो ऑर्गेनिक वन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक कौन से होंगे, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके या वन कार्बन सिंगल कार्बन को ऑक्सीडाइज करके अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आ जाती है हमारे पास, आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया एक अलग ही टाइप का बैक्टीरिया है भाई, मतलब बाबा है बैक्टीरियाज का भाई, जो है एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट होगा तो उसको हेलोफाइल्स बोल देंगे, बहुत गर्म होगा तो उसको थर्मो एसिडोफाइल्स बोल देंगे। भाई थर्मो मतलब बहुत ज़्यादा रेंज ले सकता है, वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गर्म सह सकता है, हॉट स्प्रिंग में पाया जाएगा। मार्शी एरियाज में क्योंकि मिथेन बहुत ज़्यादा जाएगा तो उसको मिथेनोजेंस बोल देंगे। तो आर्किया बैक्टीरिया एक अलग टाइप का होता है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती है, इसलिए वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। मिथेनोजेंस कौन से होते हैं, मिथेनोजेंस जो बहुत ज़्यादा मिथेन को में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए वो काउ जो एनिमल्स होते हैं जैसे काउज या बफेलोज उनके पेट में पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पे मिथेन बनती है, उसी से मिथेन बनती है, इसलिए काउ डंग में बहुत ज़्यादा मिथेन होती है जिससे बायोगैस बनाते हैं। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज ईयू बैक्टीरिया। ईयू मतलब ट्रू, ईयू मतलब ट्रू होता है। उनकी जो सेल वॉल होती है बड़ी रिजिड होती है, और उसमें एक फ्लैगनम होता है। देखो फ्लैगनम मैंने आपको बताया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैगनम, ठीक है। एंड एक साइनोबैक्टीरिया होता है। भाई साइनोबैक्टीरिया ही जो हम ब्लू ग्रीन एल्गी आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिससे एल्गल ब्लूम्स भी हो जाते हैं, वो ये ब्रूगली एल्बिस एक टाइप का बैक्टीरिया ही है, साइनोबैक्टीरिया। और वो उसके पास क्या है, पावर है, उसके पास क्लोरोफिल की पावर है, ठीक है, जो कि सिमिलर है ग्रीन प्लांट्स में जो कि क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट्स बोलते हैं, जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबीना। देन कीमोस सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स मैंने आपको बता दिया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेज, नाइट्राइट्स, अमोनिया या सिंगल कार्बन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फॉर देयर एनर्जी। देन हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया तो बहुत कम होते हैं, काम करने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं, जैसे हम लोग कर्ड बनाते हैं मिल्क से। एंड देखो कर्ड मिल्क में कर्ड मिल्क से बैक्टीरिया से बनती है। और एक चीज़ यीस्ट होती है, यीस्ट यीस्ट एक टाइप की सिंगल सेल्ड फंजाई है, याद रखिएगा यीस्ट जो है सिंगल सेल्ड फंजाई है, और वो फंजाई का एक्सेप्शन भी है क्योंकि फंजाई जो है मल्टी सेलुलर्स होते हैं, ठीक है, मल्टी सेल्स होते हैं, इसीलिए यूनिसेलुलर फंजाई को यीस्ट एक टाइप का यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई है, जिससे कि आप ब्रेड बनाते हैं, फर्मेंटेशन जिससे होता है, जिससे आप शराब बनाते हैं, बियर बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, फंजाई होता है, ठीक है। देन कर्ड बनाते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, दाल वाले, ठीक है, ये सब जो हैं किससे आते हैं, आपके बैक्टीरिया से आते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ होती है माइकोप्लाज्मा। देखो माइकोप्लाज्मा जो है एक बहुत ही छोटा बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है, एंड स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल है ये,
ठीक है, एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो बात थी किंगडम मोनेरा की। अब आ जाओ आप किंगडम प्रोटिस्टा पे। अब प्रोटिस्टा भाई, अब ये तो प्रोकैरियोट खत्म हो गए, अभी आ गए यूकैरियोट्स। तो ये क्या है, लेकिन प्रोटिस्टा क्या है, सिंगल सेल यूकैरियोट है। इसको भी चार पांच टाइप्स में डिवाइड किया गया, क्रिस्टोफाइट्स, डाइनोफ्लेग्नेट्स, यूग्नेलाइट्स, स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोआंस। ये सब जो है प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टन्स की जो सेल बॉडीज होती है, दे कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एंड ये एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए एसेक्सुअली और सेक्सुअली प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो एंटिटीज एक साथ आती हैं और एक नया जेनेटिकली यूनिक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग सेक्सुअल प्रोडक्शन से हुए हैं, ठीक है। मैं अपने माता पिता के दोनों के डीएनए, लेकिन मैं अपने माता पिता से अलग दिखता हूँ। मेरा डीएनए जो कोड है वो अपने माता पिता से अलग है। अगर मेरा कोई ट्विन ब्रदर होता, आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर होता, तो उसका और मेरा डीएनए 100% मैच करता। आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में भी वो एक सिंपल सिंबलिक्स की तरह होते, 75% डीएनए मैच करता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कि सिंगल पेरेंट जो है अपने आप को कॉपी कर लेता है, ठीक है, और उसमें जो है एग्जैक्ट कॉपी, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एग्जैक्ट कॉपी बनता है पेरेंट का, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जो है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर लेते हैं। अब टाइप्स में बात करते हैं। हमने आपको बताया था क्राइसोफाइट्स, भाई क्राइसोफाइट्स जो होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डाई आइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको डेसमिट्स बोलते हैं। अभी जो डाई आइटम्स है ना, हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, देखो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड डाई आइटम्स जो हैं, दे आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन। जितनी भी एनर्जी ओशंस में बनती है वो डाई आइटम्स बनाते हैं, और जो आप प्लैंकटॉन देखते हैं वो एक टाइप के क्राइसोफाइट्स ही होते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं डाइनोफ्लेग्नेट्स की। ये मरीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। देयर सॉल्वॉल स्टिफ सेल वॉल होती है इसमें, और सेलुलोज की जो एक कवरिंग होती है आउटर सरफेस पे, ठीक है। इसमें आपके जो आपके रेड टाइड्स होते हैं ना, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेड टाइड्स, वो एक रेड डाइनोफ्लेग्लेट्स की वजह से ही होता है वो फिनोमिना, ठीक है, जिसकी वजह से सी रेड अपियर होता है, ठीक है। ये एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। देन यूगलनॉइड्स, यूगलनाइट्स जो हैं वो आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे डाइफ्लैंगनॉट्स आपके मरीन में पाए जाते थे, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और स्थिर वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, टू फ्लैगला, फ्लैगला हमने आपको बताया था ना, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे जा रहा था, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, ठीक है। एंड दो दे आर फोटोसिंथेसिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो ये अलग ही टाइप के ऑर्गेनिज्म है, जो सन मिली तो फोटोट्रॉपिक हो गए, और अगर सन लाइट नहीं मिली तो हीटरोट्रॉप्स बन जाते हैं। इसका एग्जांपल है यूग्लेना, ठीक है। देन स्लाइम मॉल्ड्स, देखो स्लाइम क्या, स्लाइम देखा आपने, बच्चे स्लाइम से खेलते हैं आजकल, स्लाइम ऐसे फैल जाती है, तो जब उसको स्टेबल कंडीशन मिलती है तो ऐसे फैल जाती है, और जब उसे अनस्टेबल कंडीशन मिलती है तो उस पर स्पोर्स बन जाते हैं, वो स्पोर्स जो है एयर करंट से भी मूव हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। दस दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, सेप्रोफाइटिक मतलब वो मैंने आपको समझा दिया था, जो डेड एंड डिके मैटर पे सर्वाइव करते हैं, या अपनी एनर्जी के लिए डेड एंड डिके मैटर, जैसे डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स, ऑर्गेनिक मैटर, इन सब पे डिपेंडेंट होते हैं। देन बात करते हैं प्रोटोजोआंस की। प्रोटोजोआंस जो हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, पहली बात, दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, एंड लिव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट होते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना। चार टाइप के प्रोटोजोआंस होते हैं, एमोबॉइड, एमोबॉइड मतलब एमीबा होता है ना, बस वो खाने के लिए ऐसे अलग से एक हाथ निकाल देते हैं और खींच लेते हैं। फ्लैगलेटेड प्रोटोजोआंस, ये एक टाइप के फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, उनमें एक फ्लैगलेला होता है, इसकी वजह से एक स्लीपिंग सिकनेस की जो बीमारी होती है वो भी होती है, ठीक है। देन सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, ठीक है, ये मूविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरामोशियम इसका एग्जांपल है। एंड स्पोरोजोआंस, ठीक है, इसी में ये स्पोरोजोआंस की वजह से ये एक मलेरियल प्लास्मोडियम होता है, जिसकी वजह जिसमें जो जिस जो मलेरियल पैरासाइट जो होता है उसके अंदर होता है, उसकी वजह से मलेरिया फैलता है, तो ये स्पोरोजोआंस से होता है, बट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोटोजोआंस से होता है, ये याद रखना बस मलेरिया, ठीक है। अब आ जाओ किंगडम फंजाई पे, फंगस पे, ठीक है। अब ये भी हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, जो आप मशरूम खाते हो ना वो एक टाइप की फंगस है, याद रखना, मशरूम जो आप खाते हो वो एक टाइप की फंगस है। दस फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ये हेटरोट्रॉप्स हैं, इसमें आपका फंजाई जैसे ईस्ट हो गया,
इट कैन बी यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, भाई बड़ा इंपॉर्टेंस है फंजाई का। मशरूम जो है वो एक टाइप की फंजाई है। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलियम, ये आपकी फंजाई से बनती है। देन कई फंजाई से डिजीजेस भी होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जैसे वीस्ट रस्ट कॉजिंग पुकेनिया, ठीक है। अब यीस्ट को छोड़ के, जो कि एक फंजाई है, यीस्ट जो है एक अकेला फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, उसको छोड़ के बाकी सब मल्टी सेलुलर है, ठीक है। एंड कैसी बॉडी होती है फंजाई की, थोड़ी सी लॉन्ग पतली लंबी स्लेंडर एंड थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हाइपे, इसी को हम लोग हाइपे बोलते हैं, ठीक है, इसी को हाइपे बोलते हैं। और इसी का जब नेटवर्क बन जाता है एक ऐसे हाइपेस का, उसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। और जो मशरूम उगाते हैं ना, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा मशरूम उगाने में, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी मशरूम उगाने में, मैं फेल हो गया था, बल्कि मेरा पहला स्टार्टअप जो था वो मशरूम उगाने का ही था, कभी उगाएंगे दोबारा ज़िंदगी में, तो उस टाइम मैंने बड़ी रिसर्च की थी मशरूम पे। तो मशरूम में अगर उगाना हो तो सबसे पहले जो होता है, आप एक तैयार करते हैं बेस, बेस में आप जो है ये फंजाई छिड़कते हैं, फिर माइसीलियम रन होता है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है माइसीलियम रन होता है, उसमें क्या होता है सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है पूरा, उसके बाद उसमें से जो है मशरूम सूखते हैं। इसलिए वो माइसीलियम क्या है, वो जो हाइपे हैं उनका नेटवर्क ऑफ हाइपे इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है। मोस्ट फंजाई में आपको आती है हेटरोट्रॉफिक हैं और दे आर ऑल्सो सेप्रोट्रॉप्स, दोज डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, ठीक है। एंड दे ऑल्सो लिव एज सिम्बायोटेंट्स, मतलब जैसे सिम्बायोटेंट मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन में भी रहते हैं, जैसे लाइचेंस हैं, अभी आपको पढ़ाएंगे लाइचेंस। लाइचेंस एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशन है, किसका, एल्गी एंड फंजाई का, ठीक है, एल्गी एंड फंजाई का, ठीक है। एल्गी उसे खाना प्रोवाइड करता है, फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन रूट्स में पाया जाता है फंगाई, जैसे माइक्रोविजा, भाई रूट्स आपने देखा, अगर आप रूट उगाएंगे तो कुछ भूसा भूसा तो बड़ा बड़ा सा ऐसे लगा हुआ आता है, उसी को माइक्रोविजा बोलते हैं, ठीक है। देन इट कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मींस लाइक फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, ये ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कुछ टाइप के एसेक्सुअल करते हैं, कुछ सेक्सुअल करते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इज कॉल्ड कॉनिडिया या जू स्पोर्स या स्पोरिंगो स्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओ स्पोर्स, एको स्पोर्स एंड बेसिडोफोर्स, ठीक है। इतना बता देते हैं, हमारा काम आपको बताना है, बट इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अगर फ्यूजन, पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, उसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं, जैसे मोनोगैमी पॉलीगैमी होता है ना, वैसे इसमें प्लाज्मोगैमी होता है। जब उसके बाद फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियाई बना, न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो कैरोगैमी होगा, और जब उसका होगा तो माइसोसिस से जायगोट जब बनेगा उसको हाइप्लॉइड स्पोर्ट्स बनेंगे। देखो डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड में क्या फ़र्क होता है, डाइप्लॉइड मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्स और वाई दो, ये क्या है डाइप्लॉइड है, और सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई ये क्या है एक अलग टाइप के हैप्लॉइड है, सिर्फ एक्स सिर्फ वाई हैप्लॉइड है, एक्स और वाई तो हम लोग डाइप्लॉइड हैं, हमारे यहाँ जो भी क्रोमोसोम होगा एक्स वाई की शेप या वाई एक्स की शेप में होगा, ठीक है, डाइप्लॉइड है। बस फंजाई किंगडम में उसके बेसिक फंजाई किंगडम को डिवाइड किया गया, ठीक है, बस नाम याद रखना, फाइकोमिसाइट्स एस्कोमसाइट्स, बप जहाँ मसाइट्स आ गया ना, एम वाई सी ई टी एस, ठीक है, मसाइट्स आ गया वहाँ पे, मतलब आप समझ लेना फंगाई है, फंगस है वो, ठीक है, जहाँ पे माइसाइट्स आ गया वहाँ फंगाई है। फाइकोमसाइट्स एकोमसाइट्स बसीडोमाइट्स, बसीडोमाइट्स से ही मशरूम बनते हैं, ठीक है, ये बस याद रखना, इसलिए बसीडोमाइट्स मैंने आपको बता दिया, मशरूम से याद रख लेना बसीडोमाइट्स एंड ड्यूट्रोमसाइट्स, ठीक है, बस इतना याद रखो। ये उसका डायग्राम है, ये हमारे मटेरियल में अवेलेबल है, किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वहाँ पढ़ सकता है, हमारा काम है, जो आपको काम है इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाना। अब दो टाइप के किंगडम बचे हैं हमारे पास, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। जितने भी प्लांट्स हैं सारे आपको दिख रहे हैं वो किंगडम प्लांटे में, और जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं हम जो है वो किंगडम एनिमलिया में, एनिमलिया में है, ठीक है। किंगडम प्लांटे में इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स के अंदर आता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जो जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है, एंड दस दैट ऑल क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, ठीक है। उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वैसे तो मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, बट हीटोट्रॉपिक जो प्लांट इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे ब्लैडर वोर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप, जैसे उस पर इंसेक्ट बैठा वो बंद हो जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं,
ठीक है, कसकटा, ये कैसे हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो ये कैसे हो गए, कैसे प्लांट्स हो गए आपके हेटरोट्रॉपिक्स, जो कि दूसरों पे अपनी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। द प्लांट सेल्स हैड यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, तो पतली सेलुलोज की बनी हुई होती है इसकी सेल वॉल। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो हम लोग अपना खाना तो खुद बना नहीं सकते, तो हम लोग हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, हम लोगों में सेल वॉल नहीं होती है, वी लैक सेल वॉल, ठीक है। वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड, जो उनका हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। देखो होलोजोइक का मतलब हम लोग खाना खाते हैं और इंजेस्ट करते हैं, पचाते हैं अपने खाने को, ठीक है। होलोजोइक, होलोजोइक मैं आपको बताता हूँ होलोजोइक का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, इंजेशन ऑफ फूड, आप खाना खा रहे हो, खाने को पचाते हो, आप खाना खाते हो और उसे पचाते हो, उसी को होलोजोइक बोलते हैं। उनकी एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है हमारा, हम एक डेफिनेट साइज होता है, शेप होता है, एंड वी ग्रो इनटू एडल्ट्स। एंड जो हमारी हायर फॉर्म्स हैं एनिमिलिया किंगडम में, वो सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म भी शो करती है इलेबोरेट, जैसे आपके डॉग्स हो गए, उनकी सूंघने की कैपेसिटी कितनी खतरनाक होती है ना, तो वो सब शो होते हैं। एंड मोस्टली 90% ऑफ दी ऑर्गेनिज्म इन एनिमिलिया आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, मतलब वो मूव कर सकते हैं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते लेकिन एनिमिलिया मूव कर सकते हैं। देन वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइचेंस, सबसे पहले तो लाइचेंस पढ़ा देता हूँ आपको। देखो हुआ क्या कि विटेकर की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें कोई ए सेलुलर, जिसमें सेल नहीं होते, वो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाए, क्योंकि वायरस क्या होता है कि जैसे ही आपने वायरस को अपने होस्ट सेल से बाहर निकाला तो इनर्ट हो जाता है, वो कुछ नहीं करेगा, वो मतलब एक टाइप का डेड है, उसको आप डेड मानो, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर जाता है, वो उसको ओवरटेक कर लेता है, उसके सारे के सारे फंक्शंस उठा लेता है और उसको जो होस्ट सेल है उसको किल कर देता है और अपने आप टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। ये पावर है वायरस की, इसलिए कोरोना क्या था, एक टाइप का वायरस था भाई, वो हमारे अंदर बाहर जब तक था तब तक वो इनर्ट उसमें था, जैसे ही वो होस्ट सेल में हमारे सेल में गया पूरे सिस्टम को डैमेज कर दिया था। एंड दे हैव द, और जैसे ही वो होस्ट में जाता है ना, पहले तो सिंगल रहता है, जैसे ही होस्ट में पहुंचता है वो, इट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, जल्दी से बढ़ता हुआ जाता है वो, ठीक है। इनफैक्ट एक WM स्टैनली थे साइंटिस्ट, 1935 में उन्होंने दिखाया कि जो उन्होंने क्या किया, फंजाई वायरस को लिया, वायरस को उन्होंने कहा कि इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, और जब उन्होंने तोड़ा तो देखा कि क्रिस्टल्स जो हैं लार्जली और प्रोटीन से बने हुए हैं, तो वायरस जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, किससे, प्रोटीन से बना हुआ होता है, क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया इनर्ट है वो, एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये एक टाइप के पैरासाइट्स हैं। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है, लेकिन आज तक कोई भी वायरस ऐसा नहीं मिला है जिसमें RNA और DNA दोनों हो। जैसे हम ह्यूमंस में क्या होता है, RNA DNA दोनों होता है। अच्छा, RNA सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, ठीक है भाई। सिंगल स्ट्रैंड हो गया ये, सिंगल स्ट्रैंड हो गया, डबल स्ट्रैंड हो गया ये, ठीक है। तो DNA क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, RNA आपका सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसमें RNA और DNA दोनों होता हो, या तो DNA होगा या RNA होगा, ठीक है। अब वायरस जो होता है एक टाइप का न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, और उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, वो इन्फेक्शन पैदा करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन होते हैं कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं, लेकिन बहुत सारे वायरस से भी होते हैं, ठीक है। अब जो वायरस है या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, या उसका डबल स्टैंडर्ड RNA होगा, या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ठीक है। बैक्टीरियल वायरस, जो बैक्टीरिया एक टाइप के बैक्टीरियल वायरसेस, जिसको बैक्टीरियोफेजेस भी बोलते हैं, जो बैक्टीरियोफेजेस वो होते हैं वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, उसमें बेसिकली डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वायरॉइड्स की भाई। अब वायरॉइड्स क्या हुआ कि वायरॉइड्स आपके वायरस से भी छोटे होते हैं। 1971 में टीओ डिनर थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि वायरस से भी छोटा कुछ है, ठीक है, एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से भी छोटा है, उसको उन्होंने वायरॉइड्स नाम दिया। अच्छा, वायरॉइड्स क्या होता है कि उसमें RNA नहीं होता, इट इज़ फाउंड टू बी फ्री ऑफ RNA, और उसमें जो प्रोटीन कोट होता है ना वायरस में, जो प्रोटीन्स हमने जब वायरस को पढ़ा तो क्या देखा कि वायरस में बहुत सारा प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है आपका वायरॉइड्स में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम वायरॉइड रख दिया गया कि भाई वो प्रोटीन कोट उसमें नहीं है, दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस एंड इट इज़ फाउंड टू बी फ्री ऑफ RNA एंड दस इट हैज़ अ वेरी लो मॉलिकुलर वेट, दैट इज़ कॉल्ड वायरॉइड्स। फिर लास्ट में आया लाइचेंस। लाइचेंस किस किस का सिम्बायोटिक रिलेशन है, एल्गी एंड फंजाई का। एल्गी उसे फोटोसिंथेसिस करके खाना प्रोवाइड करती है, और फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है, इट इज़ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। इसी में जो एल्गल पार्ट है, एल्गल कंपोनेंट है, उसको
फाइकोबायोएंट बोलते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, क्योंकि लाइचेंस जो है एल्गी और फंजाई से बनता है ये तो सबको पता है, लेकिन एल्गी कंपोनेंट को फाइकोबायोएंट बोलते हैं एंड फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फाइकोबायोएंट होता है या एल्गी होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, और जो फंगस होती है माइकोबायोएंट जो होती है वो हीटरोट्रॉपिक होती है। एल्गी अपना खाना प्रोवाइड करती है और फंगस जो है सेल्टर प्रोवाइड करती है। और लाइचेंस जो है बड़े अच्छे इंडिकेटर भी हैं एयर पॉल्यूशन के, क्योंकि जहाँ पे भी पॉल्यूटेड एरिया होगा वहाँ लाइचेंस ग्रो नहीं होंगे। तो हेल्दी इकोसिस्टम के इंडिकेटर हैं, जहाँ पे आपको लाइचेंस मिलेंगे दैट मीन्स दे आर हेल्दी इकोसिस्टम। एंड ऑन दैट नोट दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्फा एज अकेडमी। और हमसे एक मिस्टेक हो गई थी आज आपको पढ़ाते हुए, उसके लिए आई एम सॉरी। कोशिश करेंगे आपको और बेहतर पढ़ाएं, बट इतना कुछ पढ़ाना होता है, दिमाग में एक साथ सब कुछ घुसता नहीं है। सो टेक केयर एंड वी शैल सी यू टुमारो, बाय बाय।